तो दोस्तों आपने सुना ही होगा कि यहाँ पे OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro के बारे में कितने ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं इंटरनेट पे, चाहे वह हो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके मोबाइल में से निकल के चुम्मा दे देगी आपको, या फिर ज्यादा हो गया जैसे कि बहुत सी चीजें आ रही है, जैसे कि OnePlus 7 का वो जैसे अंदर बाहर होता है ना इसमें कैमरा, उस तरह का कैमरा आएगा, या फिर 50 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा, बिल्कुल DSLR जैसी फोटो देगा, और प्रोसेसर रहेगा वो स्नैपड्रैगन का 855 रहेगा, ऐसे बहुत सारे रूमर्स हैं, और 5G कनेक्टिविटी मिलेगी, ऐसे बहुत सारे रूमर्स हैं जो इंटरनेट पर फैल रहे हैं। तो मैंने बहुत सी सारी वेबसाइट पर जाके पढ़ा, सबको कंबाइन किया, एनालाइज किया कि OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro में क्या आ सकता है। तो आज की वीडियो हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स एक्सप्लोर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर जो रूमर आता है क्या भैया, क्या कुछ न्योछावर वगैरह चाहिए बताओ, न्योछावर चाहिए हो? अरे भैया तुम अपनो कंटिन्यू रखो, हम तो बस देख भी आए थे कि जो लौंडा का कर रहा हो अकेले में। अरे कुछ नहीं, मैं OnePlus 7 जो अभी बहुत रूमर आ रहे हैं ना गूगल पे, मैं उसके बारे में समझा रहा था। अरे तो अपनो जारी रखो, हम तो बस देख रहे हैं, देखन दो हमें तनक कि क्या समझा रहे हो, हम भी तनक समझ ले, हम तो जानत नहीं है ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में, तो हम भी तनक समझ लेते हैं कि क्या है वो जो। हाँ तो ये तो ऐसे ही देखते रहेंगे, टाइम पास कराते रहेंगे। तो देखिए जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे दोनों स्मार्टफोन के बारे में, तो देखिए सबसे पहले नंबर पे जो मैंने यहाँ पे पता किया है, जो कि मोबाइल 14 मई को आने वाला है, दो स्मार्टफोन यहाँ पे OnePlus साथ में निकालने वाला है, एक है OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं OnePlus 7 Pro की। अब यहाँ पे मेन हाईलाइट है कि यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी भी आने वाली है। अब देखिए इंडिया में तो 5G के बारे में भूल ही जाओ, अभी तो इंडिया में 5G का दूर दूर तक आता पता कुछ नहीं है कि कब जाके आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसा मॉडल भी निकाल सकता है OnePlus कि जहाँ पे 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट करो, यह सब यूरोपियन मार्केट्स के लिए आएगा क्योंकि वहां पे 5G आ चुका है, और यहाँ पे तो इंडिया में अभी भूल ही जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोनों के प्रोसेसर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे स्नैपड्रैगन 855 जो भी क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 जो बिल्कुल नया प्रोसेसर है, इसी यही आने वाला है इनमें, तो इनमें यही डलने वाला है। और क्या बचा हुआ है अब, तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं कैमरे के बारे में। तो OnePlus 7 Pro में जो कैमरा है वह ट्रिपल कैमरा रहेगा, 48, 16 और 8, ये ट्रिपल कैमरा रहेगा। और अपना जो OnePlus 7 है इसमें 48 और 5 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। और अगर हम और चीजों की बात करें तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले मेन हाईलाइट है, डिस्प्ले बहुत बड़ी चीज है क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले बिल्कुल बेजरलेस आने वाला है, बिल्कुल तबाही जानदार शानदार जो भी आप वर्ड रखना चाहते हैं, बिल्कुल बेजरलेस डिस्प्ले रहेगा, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल चिकनी सी डिस्प्ले रहेगी, स्मूथ क्या चिकनी रहेगी एक ही बात है दोनों। हाँ तो यहाँ पे डिस्प्ले मेन इसकी हाईलाइट है, बहुत ही शानदार डिस्प्ले आने वाला है। और OnePlus 7 Pro का जो डिस्प्ले है 90Hz का रिफ्रेश रेट आने वाला है इसमें, यानी 90Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले रहेगा, और डिस्प्ले रहेगी 6.6 इंच की OnePlus 7 Pro की, और OnePlus 7 की रहेगी 6.4 इंच की। तो यह रही हो गई डिस्प्ले की बात। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसके वेरिएंट्स किस किस वेरिएंट्स में आने वाले हैं। तो OnePlus 7 Pro है वह 3 वेरिएंट्स में आएगा, 6GB रैम और 8GB रैम और 12GB रैम, और जो अपना OnePlus 7 है यह रहेगा 6GB और 8GB रैम में, और स्टोरेज 128 और 256GB, 128 और 256GB दोनों में अपने हिसाब से रहेगी। तो देखिए अब हम लोग यहाँ बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो देखिए बैटरी की बात करें तो यहाँ पर OnePlus 7 Pro में लगेगी 4000mAh तक की बैटरी, उससे ज्यादा भी हो सकती है, और यहाँ पर OnePlus 7 में रहेगी 3700mAh की बैटरी। तो यही है बैटरी के बारे में। अगर हम चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 20 वॉट का चार्जर मिल जाता है OnePlus 7 में, और OnePlus 7 Pro में आपको 30 वॉट या 40 वॉट का जो बार चार्जर वह मिल सकता है, और ये सब चीज मिल ही जाएगा, मिल सकता है क्या मिल ही जाएगा। तो देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके प्राइसेस के बारे में। तो देखिए अपना जो OnePlus 7 Pro है वह तो ज्यादा महंगा रहेगा, ये तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि यह महंगा रहेगा, आप मान लीजिए 45,000 के तो ऊपर ही रहेगा। और जो यहाँ OnePlus 7 है वह थोड़ा सस्ता हो सकता है, मान लीजिए ऐसे 35 से 40,000 के समथिंग ही आएगा यह स्मार्टफोन। तो यही सब चीजें थी जो रूमर्स मुझे पता चली। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और धार्मिक हो गए उस घंटे को दबा दीजिए। और यह भी कुछ बोलना चाहते हैं अप्पू सिंह महाराज, तो चलिए बोल दीजिए जो भी आप बोलना चाहते हैं। अच्छा जरा न्योछावर मिल जाए तो हमें अब।
हम जब से वीडियो देख रहे हैं आपकी, तनक न्योछावर भी दे देते हमें, और हम ऑडियंस से भी कह दे रहे हैं, ये नंबर पे हमें पेटीएम कर दियो न्योछावर के लाने। अरे भाई आप जाओ, मैं आपको दे दूंगा आपका न्योछावर, आप जाओ यहाँ पर टाइम पास मत कराओ। हाँ तो जैसा कि हम लोग बात करते, कोई भी न्योछावर की जरूरत नहीं, मैं कोई भी नंबर नहीं देने वाला। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं, यही सब जो मुझे रूमर्स से जो मुझे पता चले थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, धारे को घंटी को दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहा। मिलता हूँ मैं से नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।